हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लाइफ के। इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज का टॉपिक हमने लाया है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग के बारे में। तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग के अंदर क्या के दौरान में क्या सिद्धांत होती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग का सिद्धांत के साथ। तो सबसे पहले क्या होता है, नर्सेज इन द ICU प्ले अ यूनिक एंड इम्पोर्टेंट रोल व्हेन हैंडलिंग देयर पेशेंट्स डिलीवरिंग ऑफ कॉम्फर्ट केयर कम्युनिकेशन स्किल एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज। मतलब कहने का, नर्सेज जो होते हैं एक आईसीयू में एक यूनिक एंड इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब पेशेंट को वो हैंडल करे या फिर कम्फर्ट केयर जो डिलीवर करती है पेशेंट को, मेडिकेशंस होगी, मेडिकेशन प्रोवाइड करता है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने था, उसके बाद में कम्फर्ट पोजिशंस के दौरान जो मतलब कि केयर वो नर्स पेशेंट को देती है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, या फिर पेशेंट को हैंडलिंग करने समय में आफ्टर दैट कम्युनिकेशन स्किल एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस। देन क्रिटिकली इल पेशेंट्स रिक्वायर बहुत फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्प। मतलब कहने का, जो क्रिटिकली इल पेशेंट जो होता है उसको फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्प दोनों की ज़रूरत होती है। तो चलिए इसका जो प्रिंसिपल्स देखते हैं। तो प्रिंसिपल में सबसे पहले क्या होती है, नेवर लीव द पेशेंट अलोन। मतलब कहने का तो क्या होता है, पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नर्स पेशेंट रेशियो 1.1 मतलब कहने का 1:1 में है। मतलब नर्स पेशेंट का रेशियो बस एक नर्स का मतलब कि एक पेशेंट के पास एक नर्स होनी चाहिए, फिर नर्स हर मतलब कि हर नर्स को बस एक एक पेशेंट देनी चाहिए। देन उसके बाद में क्या, कंटिन्यू ECG मॉनिटरिंग, कंटिन्यू ECG जो होता है मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। उसका एनालाइज एंड ऑप्टेन ECG स्ट्रिप जो लगा हुआ रहता है उसको एनालाइज करते रहना है। उसके में देखना है कभी कभी निकल तो नहीं गए, खुल तो नहीं गए, उसके बारे में देखना है। देन एवरी हावरली वाइटल साइंस लेनी है, एवरी 4 hourly टेम्परेचर चेक करनी है, आफ्टर hourly न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना है। देन क्या होता है, चेंज प्रोसीजर एवरी 2 hourly मतलब पोजिशन भी एवरी 2 hourly चेंज करनी है। उसके बाद चेक एवरी आवरली मतलब मेबली 4 hourly टेम्परेचर मतलब एवरी आवरली वाइटल साइंस देना है, एवरी 4 hourly क्या चीज़ करते हैं टेम्परेचर चेक करना है, hourly न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट मतलब एवरी hourly न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करनी है, चेंज पोजिशन एवरी 2 hourly मतलब पोजिशन भी एवरी 2 hourly चेंज करना है। आफ्टर डेट क्या होता है, चेस्ट फिजियोथेरापी एवरी 4 hourly मतलब चेस्ट फिजियोथेरापी एवरी 4 hourly करना है। उसके बाद रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज आफ्टर डेथ माउथ केयर एवरी 4 hourly करना, मतलब रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करना है, माउथ केयर एवरी 4 hourly करना है। यानी क्या, रिएस्टेंट पेशेंट बने थे पर्सनल केयर इन द 9th shift। उसके बाद में एक्सप्लेन द प्रोसीजर एक्सप्लेन करना, प्रोवाइडिंग मोशन साइकोलॉजिकल सपोर्ट करनी है, सेफ इन्वायरमेंट पेशेंट को रखनी है, आइसोलेशन टेक्निक यूज़ करनी है। देन क्या चीज़ कहते हैं, लेबलिंग द मेडिकेशन IV वैक्सीन टिप्स के अंदर लेबलिंग करनी है। देन क्या, मेडिकेशन से रिव्यू लेनी है। उसके बाद रिटर्न ऑर्डर, मतलब डॉक्टर्स ने क्या अगर रिटर्न ऑर्डर दिया उसको चेक करना है। उसके नॉट एट बेड सेट कुछ भी रखना नहीं है। उसके बाद में लिमिटेड विजिटर्स होनी चाहिए, मतलब लिमिटेड में होनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कि सभी के सभी ICU में चला जाए। फिर मतलब क्या, फैमिली रिलेटिव जो होती पेशेंट के वो नहीं, एक दो आने चाहिए, टाइमिंग एक होनी चाहिए। उसका उसके बाद में क्या होता है, चेंज द शिफ्ट। उसके बाद वेयर PPE